आवाज बात कर गुड जॉब अनुप भाई आराम से नमस्कार। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस समय पूरे देश और विश्व की नजरें जिस रेस्क्यू ऑपरेशन पे है वो है सिलक्यारा टनल में फंसे हमारे वो 41 मजदूर जो कि 12 नवंबर यानी दिवाली वाले दिन से ही इस टनल के अंदर फंसे हुए। खैर इतने दिन के बाद इंतजार अब कम होता जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम किसी भी प्रकार का जोखिम उठाना यहाँ पर नहीं चाहती। वो भले ही 1 से 3 घंटे या 4 घंटे का समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो सभी 41 मजदूर सुरक्षित जो है उस टनल से बाहर आ जाएं। उसके लिए बकायदे जो ऑपरेशन था, कहा यह भी जा रहा था कि जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं उत्तराखंड, इस टनल हादसे पर पूरी तरह से नज़र बनाए। उन्होंने कहा था कि मंगलवार के शाम या रात तक भी खुशखबरी मिल सकती, लेकिन उसमें टाइम क्यों लगा इस ग्राफिक से जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि शाम को 6 बजे तक ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होने की पूरी संभावना है यहाँ की। और इसके अलावा NDRF ने अब वहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। मॉक ड्रिल इस बात की कि किस तरह से पाइप के जरिए उन मजदूरों को निकाला जाएगा। मेरे बगल में आप कुछ विजुअल भी देख रहे हैं, वो NDRF की मॉक ड्रिल है। वो किस तरह से वहां पर पाइप के अंदर स्टेचेस डाले जाएंगे, स्टेचेस पे एक एक मजदूर उस पर लेटेगा और दूसरा NDRF की टीम उसको बहुत धीमे धीमे उस पाइप के जरिए बिल्कुल बाहर निकालेगी। इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह ये पूरा प्लान है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट का ये प्लान बनाया गया। इसके अलावा 2 ग्राफिक्स के जरिए आप बेहतर समझ पाएंगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को। आपको बता दें इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा रेस्क्यू हो रहा है ये, और पूरे विश्व की नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में है। यहां पर अमेरिकन ऑगर मशीन की सबसे ज्यादा तारीफ उस मशीन के जरिए ही हम सिलक्यारा टनल की ओर से बड़ा सुराग कर पाए हैं उसके एंट्री के लिए। और इसके अलावा ये जो हमारे ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने जो प्लान बताया कि हम तीन तरह से इस पूरे पहाड़ को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो दोनों तरह से इसको हम काटना पड़ेगा, उसके बाद हम सुरक्षित अपने मजदूर की वापसी करा पाएंगे। तो पहले देखिए at 2 PM वेडनेसडे अमेरिकन ऑगर मशीन आफ्टर ड्रिलिंग 45 मीटर इनटू एनकाउंटर्स ऑप्शन कैन नॉट ड्रिल फर्दर। ये आप तस्वीर देखिए, तस्वीर से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह ये ऑगर मशीन ने सिलक्यारा टनल के साइड से एक लंबा होल किया। यहाँ पर ये 22 मीटर का और ये पूरा एक स्लैब था जिसको यहाँ पर काटा गया। अराउंड 4 बजे NDRF चेक्स स्टेटस एंड 4 बजे के करीब NDRF की टीम वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद में उस पाइप जो डाला गया है, जो 800 mm का पाइप बताया जा रहा है, वो ये पाइप जो आप देख रहे हैं, ये टनल इस इतना बड़ा पाइप, इसी के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो NDRF की टीम ने 4 बजे इसका पूरा निरीक्षण किया, इसको किस तरह से उन्होंने देखा, और जहाँ जहाँ पे पाइप में जब उन्होंने निरीक्षण किया तो वहाँ पर कहीं कहीं पे ऐसे अवरोधक टाइप के थे जिसको गैस कटर से काटा गया ताकि जब स्टेचस जब आप खींचेंगे तब उस पर किसी तरह की रुकावट ना आए, वो बीच में कहीं भी फंसे ना। तो उसके लिए देखिए इसमें 6 से 7 बजे शाम के बीच में NDRF पर्सनल इन द बैचेस गो इनसाइड पाइप टू रिमूवल मेटल ऑब्जेक्ट विद गैस कटर, यानी कि पाइप के अंदर जो भी उनको ऐसा मटेरियल लग रहा था जो कि मजदूरों के निकालने में परेशानी साबित हो सकती है, उसको गैस कटर के जरिए काटा गया, यानी कि पाइप को पूरी तरह से स्मूथ किया गया है ताकि आराम से वो NDRF की टीम उनका रेस्क्यू कर सके। यहां पर आप देखिए ये पूरा जो ये दो सिरे हैं, ये पूरी सुरंग है जिसके दो सिरे आप देख रहे हैं, और ये सिलक्यारा एंड से ऑगर मशीन जो अमेरिकन ऑगर मशीन थी जिसमें पहले खराबी भी आ गई है, लेकिन आज होप सबसे बड़ी और सबसे बड़ी कामयाबी की जो मिली है वो इसी मशीन के जरिए हासिल हो रही है, ऑगर मशीन की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। और इसके बाद देखिए जब ये पूरा और ये बालकोट साइड से यहाँ ये दो सिरे हैं, यहाँ पे हमारे मजदूर इस जगह पे आके इस जोन पे फंसे हुए थे, जिन अब इनको यहाँ से पाइप डाल के और इस निकाला जाएगा। ये एक
पूरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की आपको प्रयास, एक मैं और दिखाता हूं इसके बाद में। ये जो पाइप पूरा देख रहे हैं आप, इसकी गुलाई जहां ये 900 mm पाइप या और 800 mm, ये इसलिए आपको दिख रहा है ऐसा क्योंकि जो जहां से ये लोग एंट्री कर रहे हैं आगे पाइप 800 mm का पूरा जो पाइप है वो आगे जाके वो 900 mm का है। ये और आफ्टर थ्री अटेम्प्ट एनडीआरएफ कैन नॉट क्लियर एंटायर ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एडवर्स कंडीशन क्रैम्ड स्पेस हाई टेम्प्स। मतलब कि इसमें आप पूरी तरह से एनडीआरएफ को यहां पर जब तसल्ली हुई कि हम इस पाइप के जरिए आसानी से इनको निकाल लेंगे, और इसके बाद में खुद एनडीआरएफ की टीम ने एक मॉक ड्रिल के जरिए उन्होंने अपनी टीम को स्टेचेस उस पाइप के अंदर एंट्री कराई। और ये तस्वीरें और विजुअल आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्योंकि आज उम्मीद है कि शाम 6 से 7 के बीच में कभी भी हमारे 41 मजदूर भाई बाहर निकलेंगे और इसके लिए पूरा इंतजाम वहां पर कर लिया गया है। इसी तरह ये पूरा ऑपरेशन इस अंदाज में किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये परसों कहा जा रहा था कि शायद 2 से 3 घंटे में हमारे मजदूर बाहर आएंगे, लेकिन उसके बाद में जब पाइप वो 800 mm का पूरा पाइप डाला गया तो उसमें जब अंदर देखा गया तो कई सारे उसमें ऐसे पेच थे जिनको गैस कटर से काटा गया, स्मूथ किया गया। उसके बाद अब बिल्कुल तैयार है, मॉक ड्रिल यहां पर हो चुकी है। यानी कि अब आप मॉक ड्रिल का मतलब ये समझ लीजिए कि कभी भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। 41 मजदूरों को आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके वहां से बाहर निकाला जाएगा। पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस बड़े ऑपरेशन पे हैं। और बता दूं शाम को 6 से 7 का वो वक्त होगा जब ये सभी मजदूर जो है उस टनल से बाहर आ जाएंगे। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी खुशी खबरी होगी क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 12 दिन से वो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी आशाएं भी खत्म होने लगी थी, उम्मीदें भी खत्म होने लगी थी। लेकिन जिस तरह से ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ आर्मी और डीआरडीओ के साथ साथ विदेशी एक्सपर्ट्स ने इस पूरे ऑपरेशन में जोर लगाया, इसलिए ये असंभव काम आज संभव हो पा रहा है। फिलहाल नव भारत टाइम्स के साथ में जुड़े रहिएगा, हम आपको हर पल तत्काल जो है इस टनल से संबंधित, रेस्क्यू ऑपरेशन संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ लेके हाजिर होते रहेंगे।